आज से पहले जो यूट्यूबर थे या फिर इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर थे वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे वीडियो बनाने में, वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में, फिर उसको पब्लिश करने में, फिर उसको प्रमोट करने में, और उसके बाद जाके अगर उनकी वीडियो चल जाती थी तो हम सब ने देखा है कि इन्फ्लुएंसर कितना ज्यादा पैसा अर्न कर पाते हैं। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो इतना उल्टा हो गया है कि आप अगर चाहो तो आपको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसमें आपको ना ये कैमरा चाहिए, ना माइक चाहिए, ना एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको AI टूल चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट योर इन्फ्लुएंसर जर्नी एंड दैट टू जिसमें आप अगर अपना खुद का फेस भी नहीं दिखाना चाहते तो यू कैन डू इट। यस गाइस, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप जो मैं आपको कह रहा हूं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट AI avatars। दोस्तों आज की डेट में ना AI avatars इतने ज्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं कि आप उसका एज अ ह्यूमन बना के भी पब्लिश कर सकते हो, एंड सिर्फ इतना नहीं है कि आपको ह्यूमन ही दिखाना है एज एन इन्फ्लुएंसर, आप कोई भी कॉन्सेप्ट को उठा के अपनी इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आज की डेट में एक मंकेश का कॉन्सेप्ट काफी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जिसके अंदर एक बंदर होता है जो हाथ में सेल्फी स्टिक लेता है और बिल्कुल ही ऐसे बात करता है जैसे वो ह्यूमन हो, मतलब बात करते हुए चलता है और पूरा ह्यूमन वॉइस के अंदर पूरा व्लॉगिंग करता है। उसका भी क्रिएटर जो है वो इन्फ्लुएंसर जर्नी में ही है, भले ही ऑन कैमरा में वो बंदर हो जो व्लॉगिंग कर रहा है, लेकिन उसका क्रिएटर जो है एक्चुअली में रियल इन्फ्लुएंसर है। देखा आपने वो वाला वीडियो? नहीं देखा है तो एक बार ये नजर मारो। बैंक का मैनेजर आया था दूध लेने, मैंने बोल दिया भैंस का सर्वर डाउन है, लंच ब्रेक के बाद आना। यत्ती भाई मजा आ गया, ये ना बाबा के प्रसाद जैसी लग रही है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये AI avatar वीडियो देख के? बिल्कुल एक बंदर से व्लॉगिंग करा दिया गया है, वो भी रियलिस्टिक तरीके से, पूरी फीलिंग आई। अब खुद सोचो इसका जो क्रिएटर है वो कितना ज्यादा कंफर्ट जोन में है, मतलब उसको ना कोई बंदर हायर करना पड़ रहा है, ना कोई उसका कैमरा टीम है, और ना ही उसको किसी अलग अलग लोकेशन में जाना पड़ रहा है, और ना ही उसको कोई एडिटिंग करनी पड़ रही है। वो खाली क्या कर रहा है, उसके पास जो AI टूल है उस AI टूल का यूज कर रहा है, प्रॉम्प्ट दे रहा है और इस टाइप की वीडियो उसको बना ले रहा है, और बनाने के बाद उसको कहां पर अपलोड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे उसके धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, डेली व्यूज बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, जिसके चलते धीरे धीरे वो स्पॉन्सर्स के रडार में आ जाएगा, और जिस दिन स्पॉन्सर्स उन क्रिएटर्स को कनेक्ट करना शुरू कर देगा, इस पर्टिकुलर क्रिएटर की लाइफ ही बदल जाएगी। ये है पूरी कहानी जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूं कि अगर आपको भी कोई एक कॉन्सेप्ट चलाना है तो वो कॉन्सेप्ट आप कैसे चलाओगे जिससे आपका भी इन्फ्लुएंसर का ये जर्नी जो है ना बहुत ही स्मूथ तरीके से चालू हो जाए। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, क्योंकि AI के इस दौर में ये चैनल आपको एक हैंड होल्डिंग देगा जो आपको एक रियल AI एक्सपर्ट बनने में हेल्प करेगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ विद बेल आइकन, और आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली करने में। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं कॉन्सेप्ट एवटार्स की। सो दिस इज द फर्स्ट वन। योर ब्रेन हैज बीन ट्रिकिंग यू इनटू डूइंग दिस फॉर इयर्स, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू ब्रेक द साइकिल। दिस इज द काइंड ऑफ इनसाइट दैट मेक्स यू फील लाइक यू हैव अनलॉक्ड अ चीट कोड फॉर लाइफ। Everyone talks about motivation, but the truth is, it's not what you need most. Ye side face tha. Next. If you're even a little bit hungry right now, you might regret watching this, because it's about to get delicious fast. Next. If you want results nobody else has, you need to start thinking in a way nobody else does. Next. I wrote this one in my bedroom at 2 a.m., and now you're hearing it first. Next. Now, aap dekho, gaana tak gawa sakte ho aap apne AI avatar se. I woke up with the world in my hand. Spinning like a top, I can barely stand. So this is the AI era, guys. Now let's go and do it practically. अगर आपने ये करना आज सीख लिया और अगर आपका दिमाग खुराफाती तरीके से चल गया तो आई बेट कि आपका जो आने वाला लाइफ है ना, कम से कम 5-10 साल तक इतना स्मूथ और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। बस वीडियो को पूरा देखो, समझो और फिर दिमाग चलाओ कि कैसे इसको यूज करना है अपनी लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि मैंने आपके इस वीडियो को बनाने से पहले खुद क्या बनाया है। फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया, ChatGPT गया और ChatGPT में जाके मैंने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया है। प्रॉम्प्ट क्या था मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, और प्रोसेस भी पूरा दिखाऊंगा, और फिर आप भी ये सेम चीज कर लेना। ये है मेरा एक इमेजिनरी कैरेक्टर जिसका मैं कोई नाम दे सकता हूं और इसकी एक बकायदा आइडेंटिटी सेट कर सकता हूं। अब फॉर एग्जांपल खुद देखो ये जो कैरेक्टर है कितना क्यूट है ना, नहीं लगता आपको कि बच्चे इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे या फिर जो यंगस्टर्स हैं वो भी काफी ज्यादा पसंद
पसंद करेंगे, क्योंकि ये बाकी कार्टून की तरह कार्टून तो है लेकिन उन सबसे अलग है। अब यहाँ पर मैंने फन ट्विस्ट क्या किया वो दिखा देता हूँ। व्हाट आई डिड, मैंने इसी सेम कार्टून का एक स्क्रिप्ट बनवाया, और स्क्रिप्ट भी जो बनवाया ना वो मैंने भोजपुरी लैंग्वेज में बनवाया है। अगर आप देखो तो ये भोजपुरी है, हालांकि अगर मैं पढ़ूं तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्योंकि भोजपुरी मुझे नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता लग गया कि ये बहुत फनी होने वाला है, बिकॉज मेरा प्रॉम्प्ट में ही मैंने मेंशन कर दिया कि भैया वो ह्यूमरस कंटेंट होना चाहिए और वो भी भोजपुरी लैंग्वेज में। तो चैट जीपीटी तो है ही LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज की इसको नॉलेज है, तो उसने भोजपुरी में एक स्क्रिप्ट बना के दिया, जिस स्क्रिप्ट को अब मुझे यूज करना है इस फोटो से बात करवाने में, और उसके बाद रेडी हो जाएगा मेरा एक परफेक्ट वीडियो, जिस वीडियो को मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स में इतना ज्यादा वायरल कर सकता हूँ कि हो सकता है मिलियंस एंड मिलियंस फॉलोअर्स मेरे कुछ ही महीने या साल में बन जाए। और इट नाउ, अब इन दोनों चीज को, एक है इमेज और एक है स्क्रिप्ट, इसको मैं ले गया जॉग एआई में, और जॉग एआई ने मेरे इस फोटो को एक टॉकिंग फोटो में कन्वर्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ देयर एवेटर एक्स टेक्नोलॉजी। एक बार प्ले करके देखें थोड़ा सा। अरे भाई लोग, हमार नाम बाल लल्लू लटके सर, और देखे में भले ही हिरन जैसन सिंह बा। Amazing man, मतलब इतना ज्यादा फनी और कॉमेडी हो गया है ये, जिसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यही चीज मैं आप लोगों को एक्चुअली में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि AI टूल तो अवेलेबल है, बट आपका दिमाग कितना खुराफाती है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ आगे कैसे सेट होगी। इसको बनाने का पूरा स्टेप देख लो। सबसे पहले आप अपना एक इमेजिनरी कैरेक्टर बनाओ, जिसका प्रॉम्प्ट मैंने ये दिया है। आप चाहो तो थोड़ा बहुत चीजें ट्वीक करके अपना इमेजिनेशन का एक क्रिएचर बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है I want to become an Instagram influencer creator, but without showing my face. समझ आ गया ना इस लाइन का मतलब, कि मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं फिर भी एक Instagram influencer बनना चाहता हूँ। I am thinking to create a concept creator. इसे कहते हैं concept creator, who will speak and become my influencer. And then I'll use, यहाँ पर गलती से मैंने user लिख दिया, but I'll use image to talking photo AI tool, जो कि मेरे केस में है Jog AI. Now, फिर मैंने लिखा है to make it speak for fun and will attract audience and followers. मतलब मेरा एक funny character है, और अगर आप चाहते हैं सीरियस कैरेक्टर बनाना किसी एक सीरियस टॉपिक पे तो वो आपकी मर्जी है, बट फनी कैरेक्टर मैंने देखा है कि ज्यादा एंटरटेन करते हैं लोगों को। सो थिंक यू आर अ डिज्नी कार्टून आर्टिस्ट, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप मार्वल कर सकते हैं, या फिर आप कोई और चाहते हैं लाइक सिंचन जैसा कुछ बने या छोटा भीम जैसा कुछ बने, तो आप ऐसा कुछ लिख देना, क्रिएट अ मार्वलस क्रिएचर फॉर मी दैट पीपल कैन लव एंड एंगेज। तो उसके बाद इसने मुझे ये बना के दिया है। एक बार मेरा अगर कैरेक्टर फाइनल हो जाता है तो उसका एक नाम देना पड़ता है, और उसका नाम मैंने चैट जीपीटी से ही बनवा लिया है, विच इज लल्लू लटकेसर। नाम भी बहुत फनी है, जो कि इस कैरेक्टर के साथ मैच भी हो रहा है, तो यानी ये कैरेक्टर मेरा एक हिंदी कैरेक्टर परफेक्टली बन गया है। जैसे कि बच्चों में होता है ना मोटू पतलू, छोटा भीम, इस टाइप का एक कैरेक्टर मैंने भी बना लिया, विच इज लल्लू लटकेसर। अब ये वाला जैसे ही कैरेक्टर फाइनल हो जाता है तो अब आपको इसको सेव करके रखना होता है लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि अब आप कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो इसको सेव कर लो अपने पास, मैंने सेव कर लिया है, आप अपने इसको एक ऐसे फोल्डर में सेव कर लो जहां से आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। नाउ सेव करने के बाद आपको एक ऐसा टूल चाहिए होगा, जिस टूल से आप इस फोटो को टॉकिंग फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आप आ जाना जॉग एआई पे, लॉगिन वगैरह जो भी करना है आप कर लेना, देन यहाँ पर क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना। The moment you will click on create video, you have many multiple options. इसके अंदर मैं use करूंगा talking photo. Now click on talking photo और यहाँ पर आके आप अपने उस image को upload कर दो. For example ये वाला image है, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इस image का एक दूसरा version बनाऊंगा. जैसे copy image करके यहाँ पर लिख दिया और plus में जाके मैंने यहाँ पर create image पे click कर दिया. Now I'll type my character doing yoga, कि मेरा character yoga करते हुए दिखाओ. Now, enter कर देते हैं और वेट करते हैं मेरे इसी कैरेक्टर का योगा वर्जन में कन्वर्ट होने का। Now guys, see that कि मेरा सेम लल्लू लटकेसर का योगा पोज आ चुका है, सेम है, देख लो यही है जो कि योगा करता हुआ पाया गया है। Now, अब इसी इमेज को कॉपी करो एंड जस्ट इसमें लिख दो एक प्रॉम्प्ट, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर दिस कैरेक्टर इन भोजपुरी, इनफैक्ट यहाँ पर डाल दो फनी, फनी स्क्रिप्ट फॉर दिस कैरेक्टर इन भोजपुरी विच can related to yoga for my audience to laugh and engage.
एंटर। अच्छा एंटर करने से पहले मैं ये इमेज वाला टैग हटा दूंगा, अदरवाइज वो इमेज बना देगा। लेट्स एंटर। अभी ये मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिख के देगा भोजपुरी में। नाउ आपके पास आ गया एक स्क्रिप्ट, नाउ इसको करो कॉपी, जॉग एआई में आओ, यहाँ पर स्क्रिप्ट को पेस्ट कर दो और यहाँ पर आके अपने इस कार्टून कैरेक्टर का योगा पोज जो है ये वाला, इसको पहले मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आके इसको अपलोड कर देते हैं। नाउ वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। नाउ हमारे लल्लू लटकेशर का योगा पोज अपलोड हो गया है और स्क्रिप्ट भी यहाँ पर आ गया है। अब जो हम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अगेन इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स पे फोकस करना है और वो सेटिंग्स आपको मिलेगा दिस वन। नाउ क्लिक हियर। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो ये है, सबसे पहले मुझे प्रोवाइडर में जाना है और 11 लैब्स को ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज 11 लैब्स का ही मैंने अभी तक जो एफिशिएंसी है टेक्स्ट टू स्पीच की वो सबसे बेस्ट निकल के आई है। सो 11 लैब्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जेंडर में मेरा ऑफ कोर्स लल्लू लटकेशर जो है वो एक मेल जेंडर है। लैंग्वेज में जाके आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी और एक्सेंट में जाके आपको करना है बिहारी। इसको करना है सिलेक्ट और देन क्लिक करना है कंफर्म पे। द मोमेंट इट विल कंफर्म यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि आपके ये सारे सेटिंग्स भी ऑल टाइम या लाइफ टाइम बिल्कुल सेम होने चाहिए, वरना क्या होगा आपके कैरेक्टर का वॉइस कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा और हर बार अगर आप एक नए वॉइस के साथ अपने कैरेक्टर को दिखाएंगे तो ऑडियंस आपके कैरेक्टर का पर्सनालिटी समझ नहीं पाएगी और हो सकता है वो कनेक्टेड फील ना करे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। नाउ इट्स टाइम टू क्लिक ऑन क्रिएट वीडियो। लेट्स क्लिक ऑन क्रिएट वीडियो एंड नाउ इसने मेरा वीडियो प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। जल्दी से मैं इसको स्किप करता हूँ और वापस आके आपको दिखाता हूँ ये वीडियो। तो गाइस एक्चुअली में वीडियो कंप्लीट हो गई है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे लल्लू लटकेशर का योगा वाला टॉकिंग फोटो एवेटार बना है। मजा आ गया देख के, आप भी थोड़े मजे ले लो। गाइस ये रहा वो वीडियो जिसको मैं प्ले करने जा रहा हूँ, लेट्स वेट एंड वॉच। कार हो हमारा नाव बा लल्लू लटकेशर योगी, आज हम बैठनी हुआ योगा करे, बाकी पेटे इतना बाहर निकल गए बाकी गायब हो गए हो, सिंह टावर जिसन बा बाकी नेट और सेंस दोनों गायब, गुरु जी कहले रहे प्राणायाम करी लंबा सांस लिया फा हम ले नहीं बाकी सांस छोड़ते, बगल वाला बोला अरे लल्लू फैन चलल का, हम कहनी नहीं के भाई और अगर पेटे बाहर बा तो फोटो में कट। था ना कमाल का, मुझे तो देख के इतना मजा आ गया कि सिर्फ कुछ ही स्टेप्स के अंदर मेरा एक टॉकिंग फोटो एवेटार बन के रेडी है और इसको मैं आराम से अपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट में चला चला के अपने कंटेंट को वायरल कर सकता हूँ और जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके ऊपर स्पॉन्सर्स की नजर रहेगी और वो स्पॉन्सर्स आपकी जिंदगी बदल देगी। यही एक्चुअली में कंटेंट क्रिएशन का रियल गेम है। शुरू हो जाओ इस काम को करने में और अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पर भी आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दो roy@roydigital.in पे। हालांकि ईमेल तो मेरे पास बहुत आती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ईमेल का रिप्लाई मैं जल्द से जल्द कर पाऊं, क्योंकि आज की डेट में AI से इन्फ्लुएंसर बनना बहुत आसान हो गया है और इतना आसान होने के बाद भी अगर आप इन्फ्लुएंसर जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है फिर आप इस इंडस्ट्री के लिए बन ही नहीं पाए। लेकिन जो लोग थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के थोड़ी मेहनत AI के टूल से करवा लेंगे वो लोग पार लग जाएंगे। बिलीव मी आज के डेट में मंकेश एंड डॉगेश का जो भी क्रिएटर है ना वो लाखों में पैसे छाप रहा है। बस नेक्स्ट बारी आपकी है, जल्दी से शुरू हो जाओ, दिमाग ठनकाओ, खुराफातीपन लाओ अपने अंदर और टूल मैंने बता दिया है जॉग AI, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप डायरेक्ट लिंक पे जाओ क्लिक करो और जॉग AI का अकाउंट बना के उस पे ये सारा काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी और ऐसे कंटिन्यूअस AI वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी बेल आइकन के साथ, ताकि इस AI एरा में आपसे कोई भी ऐसी चीज छूटे ना जो आपको बाकियों से पीछे कर दे। डोंट डू दैट, सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सो दैट लाइक से मेरा मोटिवेशन अप हो और इस टाइप के वीडियोस मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो भाई को दो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू।